नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमा 21 सितंबर को यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले तारीखी बीबी कलम के जुलूस और इतवार 23 सितंबर को निकाले जाने वाले गणेश निमज्जन जुलूस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है और पुलिस की सारी मशीनरी को भी मुतरिक कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश निमज्जन के प्रोग्राम और बालापुर से हुसैन सागर टैंकमेंट तक निकाले जाने वाले 40 साल कदीम जुलूस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि साइबराबाद, रचाकुंडा, मेदक, नलगुंडा और महबूबनगर अजला के भी गणेश की मूर्तियों का विसर्जन हुसैन सागर में होगा। जुलूस और निमज्जन के मुकाम पर 10 से 15 लाख अफराद मौजूद हो सकते हैं। हुसैन सागर के अलावा रजना बौली, मियर आलम टैंक, एराकुंटा, शेखपेट, सरुनगर, सफिलगुड़ा, मलकाजगिरी तालाब और हचमतपेट के तालाबों में भी विसर्जन के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जुलूस के आगाज से अख्तितम तक के तमाम पॉइंट्स और रास्तों पर जुमला 17,000 पुलिस मुलाजमीन तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें 4 एडिशनल कमिश्नर्स, 1 जॉइंट कमिश्नर, 9 DCPs, 20 एडिशनल DCPs, 64 ACPs, 244 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 618 सब इंस्पेक्टर्स, 636 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। हंगामी हालात से निपटने वज्रा गाड़ियों और गैस स्क्वाड को भी तैयार रखा गया है। 16 बम डिस्पोजल टीमें और 20 कुत्तों को भी मुतरक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में 605 से ज्यादा हस्तास और 310 शदीद हस्तास वाले इलाकों में पुलिस पिकेट कायम किए गए हैं। 410 मोबाइल पार्टियां मुतरक कर दी गई हैं। 8,000 CCTV कैमरे पूरे शहर में सारे जुलूस और निमज्जन के पॉइंट पर और हर शख्स की नकल और हरकत पर नजर रखेंगे। श्री बालापुर से हुसैन सागर की रूट पर 290 कैमरे लगाए गए। ये कैमरे 500 मीटर तक के फासले की सरगर्मियों को कैद करने की सलाहियत रखते हैं। DCP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और CM के कैंप ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम बनाए गए हैं। R&B, वाटर वर्क्स, बर्खी बोर्ड और दूसरे मुकमजात की तरफ से भी भरपूर तावन मिल रहा है। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने बताया कि इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की शाम 6 बजे तक दोनों शहरों में शराब की दुकानें, बार्स और ऐसी रेस्टोरेंट जहां शराब सरबराह की जाती है बंद किए जाएंगे, सिवाय 5-स्टार होटलों के। सभी को नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पिछले 45 डेज से गणेश बंदोबस्त और मुहर्रम बंदोबस्त के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल GHMC कमिश्नर साहब, GHMC जोनल कमिश्नर साहब और हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी CEO सब बालापुर गणेश देखने के बाद पूरा रूट देखते हुए हुसैन सागर और यहाँ इसका सब निमज्जनम पॉइंट्स सबको देखकर जहाँ जो भी चीज़ की कमी थी उसका इंस्ट्रक्शन देते हुए 98-99% काम सब जगह कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9th डे ऑफ इमर्शन और मुहर्रम प्रोसेशन ये दोनों एक ही दिन इस बार आ रहा है कल के लिए, तो खास करके उसके लिए ज्यादा तैयारी की गई है, जिसमें हमारे DCP साउथ जोन और DCP ईस्ट जोन इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा है। पूरा प्रोसेशन मुहर्रम का साउथ जोन में है, केवल करीब 600 या 700 यार्ड ईस्ट जोन में है। इसके अलावा बहुत सी चीजों की तैयारी हुई है, जैसे कि इस बार नए टेक्निक्स बहुत यूज हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है ये ऑटोमेटिक क्विक रिलीज सिस्टम। ये हुक जो कि इस बार पहली बार बड़े पैमाने में इसका यूज हो रहा है और आज से करीब 1.5 महीने पहले हमारे एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल CP ट्रैफिक और सभी ऑफिसर मिलकर इसका टेस्टिंग किए टैंक बंद में और टेस्टिंग के समय ही पता चला कि लगभग हर ट्रिप में लॉरी से निकलने के प्रोसेस में 4 से 6 मिनट का सेविंग होता है। तो ये एक बहुत फायदे का चीज इस बार है, जहां तक कि समय का सवाल है और हम लोग कोशिश करेंगे इस बार की ज्यादा से ज्यादा निमज्जनम जल्दी खत्म हो। हम लोग अपने तरफ से 2-3 और नई चीज किए हैं, जैसे जियो टैगिंग ऑफ ऑल आइडल्स,
जियो टैगिंग से फायदा बहुत है कि हर आइडल का लोकेशन वो कहां पर है वो हम लोग को पता चल जाता है, और उससे जो QR कोड जनरेट होता है उस QR कोड के जनरेशन से हमारे सीनियर ऑफिसर्स, पेट्रोल कार ऑफिसर्स, ब्लू कोल्ट ऑफिसर्स, ये जब भी वहां चेकिंग के लिए जाते हैं तो अपने सेलफोन में जिनके पास CS SOP एप्लीकेशन है QR कोड के सामने लगाने से वो सेंस रीड करके उसको और हमारे हेडक्वार्टर में उसका मैसेज तुरंत आ जाता है। इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़ा गणेश खैरताबाद पहले से और पहले उसका पहले से जल्दी निमज्जनम हो। लास्ट ईयर करीब 2 बजे उसका निमज्जनम हुआ था, उसके पहले 2016 में 1 बजे निमज्जनम हुआ था और 2015 में अगले दिन रात को। तो पिछले 3 सालों से हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हो। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से सेंसिटिव एरिया, हाइपर सेंसिटिव एरिया सबका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद वहाँ पे पुलिस पिकेट, वहाँ पे एडिशनल पेट्रोलिंग, उसकी भी तैयारी की गई है। टोटल सिटी पुलिस के तरफ से और बाहर के ऑफिसर्स, तेलंगाना के दूसरे जिलों से जो ऑफिसर्स आए हैं, सब मिलाकर TSSP, फॉरेस्ट विजिलेंस, सभी मिलाकर लगभग 14,000 लोगों का डिप्लॉयमेंट इसके लिए है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।